गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू गेट अनदर वीडियो। तो आज की मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि आप मेरे पर बहुत सारे कमेंट्स आता है कि फ्रॉम वेयर डू यू शॉप फॉर शनाया, सी क्लोथिंग कहाँ से खरीदते हो। तो आज की वीडियो में आपको वो ही दिखाऊंगी, तो जुड़े रहेगा मेरे वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रावत फैमिली ब्लॉग्स। तो चले करते हैं अपने आज का ब्लॉग साथ। सो गाइज, हम आए हैं वेगस मॉल जो कि है द्वारका में, द्वारका सेक्टर 14 में ये मॉल है। तो ये नियर बाई पड़ता है हमारे घर के, तो हम बेसिकली यहीं पे ज़्यादातर आते हैं क्योंकि डिस्टेंस भी कम है ईज़िली आके जल्दी से, और ब्रांड्स भी लगभग सारी है। तो हम यहाँ पे आके शनाया के लिए भी अपने लिए भी सबके लिए शॉपिंग करते हैं। वैसे और भी मॉल्स हैं, एम्बियंस भी पास ही पड़ता है, पर ये ज़्यादा पास है तो हम प्रेफर करते हैं जब कुछ जल्दी हमें कहीं टाइम कम है और कुछ लेना है तो हम यहीं आके ले लेते हैं। तो यहाँ पे आज ज़्यादा रश लग रहा है, जैसे कि गाड़ी बाहर से ही पार्किंग की लाइन लगी हुई है, तो आज वीकेंड है तो ज़्यादा रश लग रहा है मॉल में। तो हमने पार्क कर दी अपनी कार नीचे बेसमेंट में और ऊपर आ गए। तो ये इसके भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बाथ एंड बॉडी वर्क्स के, ये भी मैं यूज़ करती हूँ, तो इसका भी मैं व्लॉग एक दिन ले आऊँगी आपके लिए। तो और आ गए हैं मॉल में और अब सीधा हम जा रहे हैं। सबसे पहले तो आज वेदू की ही शॉपिंग करनी है, शनाया के लिए कुछ ख़रीदना है तो उसी के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले चले गए H&M में, क्योंकि सबसे वर्थ ही ब्रांड लगता है इसमें, रीज़नेबल प्राइस में बच्चों के और बड़ों के भी सबके क्लोथ्स मिल जाते हैं। तो हम ज़्यादातर वेदू की H&M और ज़ारा से करते हैं, पर ज़ारा इस वाले मॉल में नहीं है, वो एम्बियंस में है, वसंत कुंज भी है, गुड़गांव भी है, तो हम दोनों से वहाँ के भी स्टफ़ वहाँ से भी लेते हैं ज़ारा से। तो अब चले गए हैं ऊपर, फिट सेशन है वो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और नीचे पूरा वुमेन है। तो ऊपर है मेंस का एंड किड सेक्शन, तो अभी ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये है पूरा मेंस का, और इसके साइड में ही आपको किड्स वाला सेक्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ हम आ गए हैं ऊपर H&M में और इस फ्लोर पे आके करेंगे हम शनाया के लिए शॉपिंग। तो बहुत अच्छे अच्छे क्लोथिंग की वैरायटी होती है H&M में, और कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, इजी वेयर और इजी वॉश। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर वैलीज़ हैं, ये बहुत सुंदर लगी ये वाली वैलीज़ भी। पर आगे अब ठंड आ रही है तो शूज़ ही प्रेफर करेंगे हम लेना, और शूज़ बहुत सारे हैं और इनका प्राइस था 1399। और सारे विंटर्स की क्लोथिंग आ गई है बच्चों के लिए, स्वेटशर्ट से लेके फुल स्लीव से लेके जैकेट से लेके सब कुछ अवेलेबल है। तो ये भी फुल स्लीव्स का एक कॉर्ड सेट है, ये भी बहुत स्मार्ट है। और भी सारी वैरायटी आ गई है अब क्योंकि बेसिकली अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो अब किड्स को फुल स्लीव्स ही पहनाना पड़ता है, हमें स्कूल जाते हैं तो फुल स्लीव्स में ही जाते हैं, तो आज वही बेसिकली हम उसकी शॉपिंग करने आए हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ पे दिख रहे, देखिए फ्रॉक भी बहुत क्यूट है, ये कितनी क्यूट सी स्कर्ट है शिमरी, पर हमें बेसिकली लेना है विंटर्स के अकॉर्डिंग का, तो ये अभी नहीं लेंगे, देखते हैं अगर कोई ओकेजन हुआ तो बाद में देख ले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये स्टफ़ अच्छा आया हुआ है H&M पे। तो हमें ज़्यादा उसकी लेनी है, जैसे जीन्स लेनी है, डेनिम्स लेनी है, डंगरी बाद में देखेंगे, अभी तो फुल स्लीव्स का कुछ लेना है। तो ये वाली भी अच्छी है, इसका भी प्राइस अराउंड 1200-1300 ऐसे ही था। तो और ये विंटर्स की कितनी क्यूट, देखिए ये फ्लीज आई हुई है बच्चों की, बहुत ही स्मार्ट है, आगे विंटर्स के लिए बहुत अच्छा लग वेयर करेंगे तो बहुत अच्छी लुक आएगी इसकी। ऐसे ही जैकेट्स वगैरह आई हुई है, ये देखिए यूनिकॉर्न वाली हुडी, ये भी बहुत अच्छी है। और यहाँ H&M के एक है कि रीज़नेबल प्राइस में आपको क्लोथिंग मिल जाती है बच्चों की, और जैसे कि ये स्कर्ट है, ये एक कॉर्ड सेट है विंटर्स के अकॉर्डिंग का, ये पूरा इसका टॉप है और पीछे इसका लोअर है, तो पूरा कॉर्ड सेट है ये, तो ये भी एक सुंदर आर्टिकल है। ब्लैक कलर का फ्रॉक है, तो बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, ये 699-700 की रेंज के हैं ये सारे प्रोडक्ट। तो ये सारा H&M पे अच्छा अच्छा स्टफ़ आया हुआ है, स्टॉक आया हुआ है। ये 3 का पेयर था और पीछे भी इसकी लेगिंग है, इनके साथ आप मैच कर सकते हो, और ये फ्रीज हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल आए हुए हैं, स्कर्ट है, टॉप है फुल स्लीव्स के, तो हमें इसी वे के लेने हैं क्योंकि अभी इतनी सर्दी आई नहीं है, बस फुल स्लीव को बच्चे को बनाना है क्योंकि मॉस्किटोज हो रखे हैं, तो स्कूल से स्ट्रिक्ट
ऑर्डर आए हुए हैं कि बच्चों को फुल स्लीव्स में ही भेजे स्कूल में, अपने प्रिकॉशन ले, तो हम वही उसी के लिए आज शनाया के शॉपिंग करने आए हुए हैं, क्योंकि हाफ स्लीव्स का तो उसका इतना है स्टफ़, आप देखते ही हो वीडियोस में, तो बहुत चीज़ें हम उसके लेके आते ही रहते हैं। तो आज बेसिकली हमें फुल स्लीव्स में देखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं देखना, क्योंकि अभी सर्दी तो आई नहीं है, सर्दी आएगी नवंबर मंथ में, तो तब उसकी एक आएंगे उसकी शॉपिंग करेंगे, तो वो भी व्लॉग शेयर करूँगी कि विंटर्स के क्लोथ के क्या क्या लिया। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊँगी कि हमने क्या क्या परचेज़ किया है यहाँ से, तो जुड़े रहिएगा और कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो एक ये भी बहुत सुंदर एक ये स्वेटशर्ट थी, ये भी बहुत सुंदर थी और ये भी 1200-1300 में भी इतना ही प्राइस था इसका, और मैं चेक करके आपको बता दूँगी। और ये वाली जैसे ब्लैक और ये सुंदर सुंदर बैग्स, यूनिकॉर्न स्टाइल बैग्स थे, ये थे अराउंड 1300-1400 ये प्राइस था इनका। तो H&M की हमने दिखा दी है सारी आपको वीडियो, और यहाँ पैक भर के हमने शनाया के लिए शॉपिंग कर ली है, तो वेट करिएगा लास्ट तक कि मैं जो दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या यहाँ से लिया है शनाया के लिए। फिर उसके बाद हम चले गए हैं लाइफस्टाइल। यहाँ बस इस मॉल की एक डिसएडवांटेज ये है, यहाँ पे ज़ारा नहीं है, क्योंकि ज़ारा से भी हम काफ़ी स्टफ़ लेते हैं शनाया का, पर वो इस मॉल में है नहीं, तो अब हम यहाँ पे आए हैं लाइफस्टाइल में बेसिकली इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिक्स प्रिंट्स है। यहाँ पे बेनेटन भी हमें एक ही में मिल जाता है, पेपे जीन्स मिल जाती है, और भी बहुत सारी मिक्स प्रिंट्स हैं जहाँ से आप ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ कुछ समझ आ जाएगा तो शनाया के लिए। ये तो ये जो मैं कॉर्नर दिखा रही हूँ ये है छोटे बच्चों के लिए, अराउंड 0 to 2 years के जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न टू 2 years वहाँ तक का कॉर्नर है ये। और उसके बाद जो बेनेटन वगैरह वाला जो मैं बोल रही हूँ, बेनेटन है, पेपे जीन्स है, उसमें 2 to above गर्ल्स और बॉयज़ के सबके मिल जाते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम कुछ देखेंगे, यहाँ भी हुआ थी जैसे पेपे जीन्स है ये, यहाँ पूरे बॉयज़ के आर्टिकल्स लगे हुए, बहुत सुंदर सुंदर स्वेट शर्ट्स है, फुल टी शर्ट्स है, तो बहुत अच्छे। और यहाँ स्लीपर्स के भी ऑप्शन है पीछे, पर हमने ट्राई नहीं किया है, मैं बेसिकली इसके ज़ारा या H&M से लेते हैं इसके शूज़, कम्फर्टेबल शूज़ होते हैं उनके। और यहाँ ये स्वेट शर्ट्स लगे हुए, ये पूरे गर्ल्स के ऑप्शन है, और ये है बेनेटन। बेनेटन का भी स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, बेनेटन के भी कपड़े बहुत अच्छे निकलते हैं, इजी टू वॉश, इजी टू वेयर। तो हमने यहाँ से भी कुछ शनाया के लिए लिया है बेनेटन से, और वो भी मैं आपको लास्ट में ज़रूर दिखा दूँगी कि जो हमने शॉपिंग की है अपनी क्या क्या ख़रीदा है। तो यहाँ बेनेटन पर हमने कुछ लिया, फिर उसके बाद और भी ब्रांड्स जैसे फेम फॉर एवर है, टॉन वर्ल्ड है, पर इस पर हमें ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं बच्चों के लिए। पर आपको अगर डेली वेयर का लेना है तो यहाँ 299 में भी टी शर्ट्स वगैरह मिल रही थी, पर हमें कुछ ज़्यादा स्कूल वेयर के हिसाब से अच्छी लगी नहीं शनाया की, तो हमने ली नहीं। तो मैंने एक रैंडम लुक दे दिया कि आप यहाँ से भी ले सकते हो, अगर अपने बच्चे को डेली वेयर के भी लेने हैं, नाइट सूट्स वगैरह भी लेने हैं, या नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह लेने हैं, तो डेली यूज़ के यहाँ खूब वैरायटी अवेलेबल है। फेम फॉर एवर पर भी डिस्काउंट लगा हुआ है यहाँ पर, और ये भी बहुत सुंदर। तो अब हम आ गए जो अभी दिखा रही हूँ मैं, ये पूरा बेनेटन का एक स्टोर है, ये भी वेगस में ही है, तो यहाँ बस बेनेटन वाले सारे कपड़े दिखेंगे। तो यहाँ से भी हमने कुछ लिया है, वो भी मैं दिखा दूँगी कि क्या लिया। तो चलिए, गर्ल्स का कॉर्नर है, बॉयज़ का कॉर्नर है, बड़ों के लिए भी है, और शूज़ वगैरह के सबके ऑप्शन हैं यहाँ पे भी। सो वी गाइस, चलो लेट मी शो यू गाइस कि आज मैंने शनाया के लिए क्या खरीदा है, कहाँ से खरीदा है वो भी दिखाया है, क्या खरीदा है, कितने प्राइस में खरीदा है वो मैं अभी दिखाने जा रही हूँ आपको, तो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ ये ट्राउजर खरीदी है उसके लिए H&M से, और बहुत ही क्यूट ट्राउजर है, इस पे थोड़े फ्लावर्स बने हुए हैं यहाँ पे, और इसका प्राइस है 1800। ये फ्रेश में थी तो हमें 1800 की ही ये ट्राउजर पड़े हैं शनाया के लिए, तो बहुत ही क्यूट है, और ये H&M से खरीदी है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इसका, तो ये डेनिम ट्राउजर है और बहुत क्यूट है। तो एक ट्राउजर हमने उसके लिए ये खरीदी है, एक और ट्राउजर हमने खरीदी है, ये वाइट लेग ट्राउजर है, नीचे से थोड़ी वाइट है, तो ये इसका भी प्राइस है 1800। ये भी फ्रेश में ही थी, कोई डिस्काउंट नहीं था। तो अब क्या है, विंटर्स में बच्चों को ट्राउजर ही पहननी चाहिए डेनिम या फिर कोई भी कॉटराइज, तो हम इसके लिए ट्राउजर ही लाए हैं, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह अब सर्दी आ रही है तो फायदा भी नहीं था लेने के लिए, तो हमने इसलिए उसके लिए डेनिम ली है। तो हमने एक ये डेनिम ली थी, एक वो जो मैंने अभी आपको दिखाई है, दो डेनिम ली है। गाड़ी में जो साइड में आपको दिखी रही होगी ये इसके मिकी माउस वाली है, और ये उसके पड़ गई, इसका भी प्राइस 1800 था, पर इस पर अभी ऑफ चल रहा था, तो ये हमें 1200 अराउंड पड़ गई, और बहुत ही स्मार्ट, जैसे कि दिखी रही आपको वीडियो में, बहुत ही स्मार्ट डेनिम। और इसके साथ जो टॉप है वो भी मैंने वो लिया था मैंने लाइफस्टाइल से जूनियर पे, तो अभी इस पे भी ऑफ आया हुआ था, तो ये अराउंड पड़ गया था हमें टॉप 300 का फुल स्लीव्स, तो वर्थ था लेना। तो हमने ये जो है हमने एक और उसकी स्वेटशर्ट, और ये है यूनिकॉर्न स्वेटशर्ट, और कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल पिंक है, और किड्स पे अच्छा लगता है ऐसे कलर, और शनाया पे तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो ये हमने H&M से ही ली है ये स्वेटशर्ट, आगे थोड़ा सा नवंबर वाले
वेदर में, नवंबर में जो वेदर होता है जैसा लाइट विंटर्स में, ये स्टफ बहुत अच्छा रहेगा। नीचे से हल्का सा वॉर्म टाइप के, ऊपर से अपना ये स्वेटशर्ट पहन लेगी तो बहुत ही क्यूट लगेगी। तो इसका प्राइस मैं बता दूँ, ये है 800 का, वर्थ ही है, इतने में तो बच्चे के आते ही। तो 800 की ही हमें क्यूट सी उसकी स्वेटशर्ट पड़ी है H&M से। तो ये एक और हमने स्वेटशर्ट खरीदी है शनाई के लिए, और ये देखिए कितनी क्यूट सी स्माइल वाली स्माइल है, फ्लावर्स है स्माइल। तो स्माइल स्माइल वर्ल्ड, स्माइल वर्ल्ड लिखा हुआ है इस पर, तो बहुत क्यूट, और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है H&M का। ये है H&M, ज़्यादा कुछ भी कोई भी उनकी फैब्रिक अच्छे निकलते हैं। तो ये इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, ये है अराउंड 1299-1300 की। ये ये वाली स्वेटशर्ट है, हमने फ्रेश में थी, कोई डिस्काउंट नहीं था, तो हमने ये वाली उसकी स्वेटशर्ट खरीदी है, और बहुत ही स्मार्ट लग रही है ये से। और इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत पतला वाला फैब्रिक है, तो इस वाले वेदर में ये बहुत अच्छे से कैरी किया जा सकता है ये वाला फैब्रिक। तो मैंने ये वाला इसका बेरिटन से इसका लिया है, ये वाला इसका क्रॉप टॉप से, और इसका प्राइस है 1300-1299-1300 का। बेरिटन से तो आते ही इतने 1300-1400-1500 में टॉप, तो ये क्यूट सा टॉप हमने उसका लिया है। तो इसको भी वेयर करके दिखाएंगे आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोज में। तो आप कमेंट करके बता रहे आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा अभी तक जो मैंने दिखाए हैं। और एक ये वाला भी हमने जूनियर से लिया था, लाइफ स्टाइल में जो जूनियर ब्रांड है, और इसका भी प्राइस अराउंड 300 था। तो ये भी बहुत इजी, मतलब डेली वेयर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे फैब्रिक थे ये, और आप जैसे स्कूल में भी वेयर करके जा रही है तो अच्छे लगते हैं ये वाले कलर्स। तो एक ये लाइट ब्लू का ले लिया था क्योंकि उसके पास ज़्यादा बेसिकली पिंक पिंक है, तो हमने सोचा कि इस पर कुछ कलर चेंज करते हैं। तो ये लाइट ब्लू देखा हमने और ये भी बहुत क्यूट लग रहा था, तो ये भी इसको वेयर करके आपको जरूर दिखाएंगे। तो एक हमने ये वाला लिया था उसका टॉप, और एक मैं जो भी साथ में वीडियो में दिखा रही हूँ आज वो वेयर करके ले रही है, ये जीन्स भी उसकी H&M से हमने ली थी, ये अराउंड 1700-1800 की पड़ी थी क्योंकि ये भी फ्रेश में थी। और जो ये टॉप इसने वेयर किया हुआ है डार्क ब्लू कलर का, ये भी हमने जूनियर, और एक मैं जो भी साथ में वीडियो में दिखा रही हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट डे ही हमें पैसिफिक आना पड़ा, अनुज को कुछ काम था, तो हम आ गए हैं सीधा ज़ारा में, और यहाँ से करेंगे शनाया के लिए कुछ शॉपिंग अगर पसंद आया तो। तो शनाया की शॉपिंग हमने कर ली है यहाँ से, तो हमें इसके एक डंगरी ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही होगी अनुज ने कैरी की हुई है अपने साथ, और एक ये वाइट कलर का जो टॉप है ये हमें इसको इसका पसंद आया। और इनका प्राइस था डंगरी अराउंड 2600 की थी, और जो टॉप था वो अराउंड 2100 का था। तो ये हमने शनाया के लिए ले लिया है, और रश है ज़ारा पे भी काफ़ी, अनुज लग गए हैं लाइन में अपनी बिलिंग कराने के लिए। तो हमारी बिलिंग हो गई है, हमने शनाया की यहाँ से भी शॉपिंग कर ली है, मैंने ये दिखा दिया कि मैंने क्या लिया है सारी। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, और आपको अगर ऐसी और वीडियोज़ देखनी है हमारी, मेरी भी शॉपिंग है, अनाया की भी, शनाया की भी शॉपिंग है, तो जल्दी से हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा, बेल का बटन ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियोस आए उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप जाके देख पाए हमारी वीडियोस। तो चलिए यही आज का ब्लॉग मैं अपना एंड करती हूँ, आगे आने वाले ब्लॉग्स में बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू रखिएगा हमारी सारी वीडियोस, देखिएगा, कमेंट करना, शेयर करना जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और बताना कैसे लगी हमारी वीडियोज़। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो, बाय, टेक केयर।